प्यारे विद्यार्थियों तुहानू सारयां नू मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। आपां एक्सरसाइज 5.4 है जिहड़ी ओह कंप्लीट कर ली सी। नैक्सट अज आपां 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ओह स्टार्ट करन जा रहे हैं। सब तो पहला मैं यह जिहड़ा मैथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दा एक एग्जाम्पल दे नाल तुहानू समझाउण जा रहा। बच्चे आपां इहदा डेरीवेटिव कीता है, डेरीवेटिव ऑफ a raised to power x is a the x into log of a होंदा। इस एक्सरसाइज विच मैं थोड़ा जिहा तुहानू ओवरव्यू दे दां किस टाइप के क्वेश्चन होंदे आ। एक तां वेरीएबल की पावर वेरीएबल होवे जिहदे विच, ठीक है, जिवें x raised to power x फंक्शन है कोई, उहदा गां उहदी पावर विच वी कोई फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल sin x उहदी पावर दे विच कोई पॉलीनोमियल फंक्शन आ गया, जां कोई ट्रिग्नोमैट्रिक दी पावर दे विच ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन आ गया, इस टाइप दे क्वेश्चन है। जां कोई कॉन्सटेंट है उहदी पावर दे विच कोई वेरीएबल आ गया, जिवें इह केस अपने कोले, ठीक है। जिहड़ा वेरीएबल दे उपर कॉन्सटेंट आ उहदा आपां फॉर्मूला कर चुके हां, जिवें एक्स रेज टू पावर एन आ जां ए एक्स प्लस बी होल दी पावर एन आ, उहदे फॉर्मूले आपां पिछलियां एक्सरसाइज दे विच जां प्लस वन दे विच कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा की तरीका, आपां इहदा डेरीवेटिव पढ़िया होया। मैं एक सिंपल जी एग्जाम्पल लैके तुहानूं इस क्वेश्चन दे नाल इंट्रोड्यूस करवाना वा किवें एवें दे क्वेश्चन नूं सॉल्व करीदा। ए दी एक्स दा डेरीवेटिव की हुंदा बच्चे, ए दी एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, ये किवें हुंदा। सो ये एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी दे बच्चे, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैगी है 31, ठीक है, एग्जाम्पल 31 है एक्सरसाइज 5.5 दी, ठीक है। सो आपां इहनूं लेट वाई कर लैणा, taking log on both side, दोनों पासे आपां log ले लेना, log of y is equals to log of a raised to power x, ठीक है जी। आपां एक formula दिता है log m दी power n दा, वो की हुंदा है n log m, जिहड़ी power है वह log दे अगे आ जांदी है multiplication दे विच, ते x अगे आ जाना log of a, आपां नूं पता है डेरीवेटिव ऑफ log x वो किन्ना हुंदा है, 1 upon x हुंदा। सो इत्थे डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पैक्ट टू x, log y दा डेरीवेटिव 1 ओवर y, जदों आपां y वाले फंक्शन दा डेरीवेटिव करना हुंदा, y की है डिपेंडेंट वेरीएबल x ते, सो इहदा डेरीवेटिव नाल dy by dx, इधर log a कॉन्सटेंट बाहर आजूगा, डेरीवेटिव किन्ना हो जाना x दा, सो x दा डेरीवेटिव की आ जाना 1, ठीक है, यह इहनूं एक नंबर पा लईए, आ y इधर ओवर दे विच है, ठीक है, डिवीजन जा उधर जाके log a नाल की हो जूगी यह मल्टीप्लाई, ते y दी वैल्यू यूजिंग 1, ठीक है, की है a रेज टू पावर x, ठीक है, a मैं अगे लिख ली क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, अपने आपां नूं पता है कम्यूटेटिव हुंदी है, a दी x इंटू log a, यही अपने को आंसर सीगा, ठीक है, इतने यूजिंग 1 पा लो, इतने मैं वाई की वैल्यू फिल की है बच्चे जी स्टार्टिंग आप लैट की थी। सो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना सीगा। सो इस एक्सरसाइज के आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन्हों की निशानी की है सवालों की, जिन्हों में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगनी है, ठीक है, इस सवालों की निशानी की है, ये मोस्टली सम्स है जिहड़े वेरीएबल की पावर वेरीएबल होगा, जां अगर किसी फंक्शन की पावर दे विच कोई फंक्शन दिता होगा उस केसिस दे विच जिहड़ी आपां टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके जिहड़े आपां सवाल करांगे, ठीक है, जां कुछ कोई लॉग दे गां विच फंक्शनस जिहड़े थोड़े जिहे कंपलैक्स फंक्शन दिते हुंदे आ, कोशन फंक्शन गिवन हुंदे आ, उहनां दे आपां डिवीजन ते लॉग दे फॉर्मूले वगैरह ला के वह उस तरीके दे नाल सवाल है जिहड़े आपां अज इह हल करने सिखांगे। सो चलो आपां एक्सरसाइज ते चलदे आ। सब तो पहला तुहाडे कोले एक्सरसाइज दा सम मैं करवाउण जा रहा, तुहाडी एक्सरसाइज 5.5 है। हाँ पहला क्वेश्चन ही है, इन्हें एग्जाम्पल्स तुसीं देख लियो, हाँ जी बच्चे एक्सरसाइज है 5.5 एनसीईआरटी दी, क्वेश्चन फर्स्ट है, आपां डिफरेंशिएट करना है, मैं नैट वाई करन लगा बच्चे फंक्शन कोस एक्स इंटू कोस टू एक्स। सो बच्चे ये ना प्रोडक्ट आ गई तीन,
अपने को तीन जो कोसाइन फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन के पे है। हुण आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इतने लाइन तुम लिख लेनी है एक टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई आ जाऊंगा बच्चे लॉग ऑफ कोस एक्स इंटू कोस टू एक्स इंटू कोस थ्री एक्स। आप फॉर्मूला किया लॉग ऑफ एम इंटू एन इंटू पी, ये कहते बराबर होगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला एन टर्म्स वास्ते आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं सेम। इतने हम आप डेरी सब तो पहला तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये प्रोडक्ट के सारे फंक्शन अपने को अलग अलग हो जाएगी टर्म्स कोस एक्स कोस टू एक्स के प्लस का निशान आ जाने के नाल सारे दे लॉग आ जाना। हूँ आप डेरीवेटिव कर दिए, डेरीवेटिव किया लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, इतना वन अपॉन कोस एक्स का ना डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स, इतने वन अपॉन कोस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स अकॉर्डिंग टू चेंज रूल टू एक्स का भी गांह होना है वो टू आ जाए प्लस वन अपॉन कोस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स, तो थ्री एक्स का थ्री आ गया अपने को बच्चे। सो आ वाई उधर जा के मल्टीप्लाई हो जाए सारी टर्म्स के नाल, ए माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस टैन एक्स आ गया, वो प्लस माइनस ही लिख लीए। ठीक है, आह प्लस माइनस लिख लीए, टू अगे आ जूगा साइन टू एक्स ओवर कोस टू एक्स, ये भी टैन टू एक्स बन गया, ये प्लस माइनस ए प्लस माइनस आ थ्री अगे आ जूगा मल्टीप्लाई से पिया साइन थ्री एक्स ओवर कोस थ्री एक्स टैन थ्री एक्स आ जूगा। इतने वाई की वैल्यू टू लैट टू बी वन, सो यूजिंग वन वाई की वैल्यू फिल कर दो कोस एक्स इंटू कोस टू एक्स इंटू कोस थ्री एक्स, तो उस बाद आ जी वैल्यू है ये तुम एज इट इज़ आ जी टर्म्स आ तेने इतने लिख देनी है, जो माइनस कॉमन कढ़िया आंसर के कॉमन कढ़ देना। सो एज इट इज़ इतने आ जाऊगी स्पेस ना होने करके मैं इतने डू ही करता। सो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करना सी। सो सैकेंड क्वेश्चन से चलते हैं, एक दो क्वेश्चन बच्चे ध्यान ना देखियो, ये कंसेप्ट तुम्हें ईजीली पता लग जूगा ये क्वेश्चन किवें सॉल्व करने हैं। ये एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर के एक चार नंबर का सवाल है जिहड़ा पंजाब बोर्ड के जरूर आता होंगे जी। अगे सैकेंड क्वेश्चन अपने को भी लैट वाई कर लिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। सो बच्चे यहोजे क्वेश्चन ये कौन क्वेश्चन है, इन एक तो स्केयर रूट के अंदर कोशंट फंक्शन आपां नूं गिवन है, ठीक है रैशनल फंक्शन सॉरी कह लो, ठीक है रैशनल फंक्शन गिवन आपां नूं, ठीक है आपां इहदा डेरीवेटिव है जिहड़ा वह करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स। सो जदों भी तुहाडे कोल स्केयर रूट के क्यूब रूट के अपने कोल एवें दा फंक्शन आ जाए जिंदे विच जिमें कह लो भी लीनियर इक्वेशन जिमें पांच पई हुई हैं इतने एक दो तीन चार पांच, ठीक है। सो आप करा ले लॉग लै लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लै लिया इन आप इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वन बाय टू, ठीक है सारे की पावर अंडर रूट होता एक बटा दो पावर। सो ये जो लॉग लिया आप लॉग एम रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला बन गया, वो एक बटा दो ताडे कोले अगे आ जाए
ठीक है लोग एम अपॉन एन का फॉर्मूला मैं इतने लिखना साइड से मैं पहला भी दस तुम ये फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री ठीक है जो डिवीजन हो गए माइनस आ जाती है जो प्रोडक्ट हो गए तो प्लस आ जाता है फिर आप प्रोडक्ट का लॉग एम इन टू एन का लॉग एम प्लस एन जो पिछे करके आए हैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चे इस माइनस ने अंदर जो दो प्लस आने इन्हों माइनस का कर देना इस स्टैप ध्यान ठीक है इतने ब्रैकेट पा के प्लस होना सी पर इस माइनस में जो आप अंदर लैके जावे उन्हें माइनस ही कर देना सो ये सिंपलीफाई करके अपने को जो फंक्शन बन गया ठीक है हम आप डेरीवेटिव करना हम बच्चों का डेरीवेटिव करना वैसे आप डेरीवेटिव करते औखा हो जाना सो अपन सिंपलीफाइड फॉर्म के लिखे जिदे डेरीवेटिव करना जो अपना ईजी हो जाएगा हम डेरीवेटिव करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स सो वन ओवर वाई लॉग वाई का डेरीवेटिव बच्चे की आया करूगा हर बारी वन ओवर वाई डी वाई बाय डी एक्स ठीक है जी क्योंकि जो आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे होंगे फिर तो कला वन बाय एक्स आना सी जे आप वाई का डेरीवेटिव कर रहे हैं वाई फंक्शन एक्स का वै तो आप डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो जो लॉग वाई का डेरीवेटिव है वह हमेशा वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स होगा इधर वन बाय टू एज इट इज बार इधर डेरीवेटिव लॉग एक्स माइनस वन का वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर लॉग एक्स माइनस टू का डेरीवेटिव वन ओवर एक्स माइनस टू होंगे बच्चे इनका डेरीवेटिव वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस ठीक है जिमें अपने को लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन अपॉन एक्स है तो डेरीवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की होगा ए अपॉन ए एक्स बी वन अपॉन ए एक्स प्लस बी ओवर ए ए इतने हम वन ही सी करके वन ही आ गया अगे नैक्सट नैक्सट अपने को वाई उधर चली जूगी ठीक है वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू अपने को बचे हो स्केयर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ठीक है आ सारे टर्म एज इट इज़ है जी थोड़ी आ जानी है ये आंसर आ गया सो इस सवालों के होगा जिस फंक्शन का अपना डेरीवेटिव कराया करांगे वो फंक्शन है तो ब्रैकेट तो पहले स्टार्टिंग ते आलमोस्ट सारे क्वेश्चन के जरूर आऊगा वाई की वैल्यू जी होंगी है क्योंकि इधर लॉग लेना आप हर बारी वन ओवर वाई होना तो वाई की वैल्यू बाहर ब्रैकेट के प्रोडक्ट के पई होनी है तो इस तरह वाई की वैल्यू की है जो आप डेरीवेटिव करना होंगे वह हर बारी इतने अगे आऊगी आऊगी सो ये थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाऊगा अगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं हाँ थर्ड क्वेश्चन की है एट वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू बार हाँ ये लॉगरिथमिक का फंक्शन है जो लॉगरिथमिक की पावर कोसाइन फंक्शन आ गया सो फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग आ इतने एम होगी हाँ एन होगी अपने को फॉर्मूला लोग एम की पावर एन का की अपने को फिर एक बार रिपीट कर दा एन अगे आ जानी है लॉग एम ठीक है सो लॉग ऑफ वाई कोस एक्स अगे आ जाना लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाना सो डेरीवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स लॉग वाई का डेरीवेटिव वन ओवर वाई
डी वाई बाय डी एक्स इतने फटा टू लग जाना, ये यू आ गया ये वी आ गया, कोस एक्स एज इट इज ही लॉग ऑफ लॉग लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन अपॉन लॉग एक्स का फर्दर अकॉर्डिंग टू चेन रूल लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज ही कोस एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ बच्चे डी वाई बाय डी एक्स आ वाई फिर उही गल जी मैं वही सी आ जानी अपने कोडे को कोस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स एक टर्म आ जानी है प्लस माइनस माइनस साइन एक्स अगे लिख लीए हाँ इनका बच्चे आंसर की आजूगा इतने वाई की वैल्यू की है लॉग एक्स रेज टू पावर कोस एक्स से उस बाद आ टर्म सारी की सारी एज इट इज ब्रैकट के आ जानी है यह थोड़ा आंसर आ गया। सो ये बच्चे थर्ड क्वेश्चन से इस तरह सोल्व करना सी। फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं छे सत्त क्वेश्चन पहले करा दूंगा ताकि तुम क्लीयर हो जाए कंसैप्ट क्वेश्चन सोल्व किए करने हैं। एक बार कंसैप्ट क्लीयर होना बहुत जरूरी है समझना पैना तुम भी कदों के जरा फॉर्मूला अप्लाई करना आप ठीक है क्योंकि डेरीवेटिव की एक्सरसाइज बहुत है सम बहुत है वो फॉर्मूले बहुत है ये सब तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होंगे भी यह कि टाइप है पैरामीट्रिक फॉर्म है ठीक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कि फॉर्म है उस अकॉर्डिंग आप फिर सॉल्व करते हैं फॉर्मूले उस अकॉर्डिंग लगते हैं। हम जिम्मे अगला क्वेश्चन है इन भी वेरीएबल की पावर वेरीएबल आ गया उ लैट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। सो बच्चे दो फंक्शन आ गए प्लस माइनस के एक आ फंक्शन है इन्हों आप दो अलग अलग फंक्शन मान के इनकी डिफरेंशिएशन करा सो आप करा वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी कर लेंगे वेयर यू की वैल्यू एक्स रेज टू बार एक्स मैं नीचे लिखना थोड़ा जहा वेयर का जोड़ा यू होगा चलो इतने लिख लें वेयर यू है जोड़ा एक्स रेज टू बार एक्स तो जोड़ा वी है टू रेज टू बार साइन एक्स है जोड़ा वो होगा। हम जो आप डेरीवेटिव करा विद रिस्पैक्ट टू एक्स ए डी वाई बाय डी एक्स ए डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स इन आप नंबर लैट कर लें हूँ ए वेरीएबल की पावर वेरीएबल जो आ पॉलीनोमियल फंक्शन है पावर भी पॉलीनोमियल फंक्शन आ गए इनका डिफरेंशिएट करिए आप विद रिस्पैक्ट टू सॉरी पहले लॉग लेंगे लॉग ले लो लॉग लॉग लेने के बाद जो आप डेरीवेटिव करना लॉग ऑफ यू ठीक है जी एक्स अगे आ जी जिम्मे आप पहला सवाल किए हैं लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला एन अगे लॉग ऑफ एक्स इनका डेरीवेटिव कर दिए लॉग ऑफ यू का डेरीवेटिव वन ओवर यू डी यू बाय डी एक्स इतने प्रोडक्ट रूल यू टू वी एक्स एज इट इज लॉग एक्स डेरीवेटिव वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स डेरीवेटिव वन बच्चे तो प्रोडक्ट रूल आया मैं जो प्लस वन च भी किया है ठीक है आ एक्स नाल एक्स कैंसल आ जी यू है ये सारी इधर आके इस दोवें टर्म्स के नाल प्रोडक्ट दे विच आ जूगी इधर अपने कोले वन रह गया कला यू की वैल्यू यू की सी आप लैट की एक्स रेज टू पावर एक्स। सो ये अपने को डी यू बाय डी एक्स आ गया है ठीक है ये वैल्यू कहती आ गई अपने को डी यू बाय डी एक्स जी हूँ आप कैलकुलेट करनी है वैल्यू बचे हो आप वैल्यू करनी है डी वी बाय डी एक्स वी अपने को दोवे पासे लॉग ले लीए जिम्मे आप पहले ए रेज टू पावर एक्स का सम करके आए हैं उ साइन एक्स अगे आ जूगा लॉग ऑफ टू डेरीवेटिव कर दिए वन ओवर वी डी वी बाय डी एक्स आ लॉग टू कॉन्सटेंट बाहर आ जूगा साइन एक्स का डेरीवेटिव कोस एक्स आ वी है जोड़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जूगा वी की वैल्यू कि अपने को वी की सीगा टू रेज टू पावर साइन एक्स ए
ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਡੀ ਵੀ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਵਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ ਡੀ ਯੂ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਐਕਸ ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਰ ਐਕਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਲੋਗ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਲੋਗ ਟੂ ਕੋਸ ਐਕਸ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਜਾਂ ਕੋਸ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ 7th 8th ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ 7th 8th 9th 10th ਅਤੇ 11th। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 4 ਕਿਊ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 5 4। ਸੋ ਲੋਗ ਲੈਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਲੋਗ ਐਮ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। 6th ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, 7th 8th ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। 6th 7th 8th ਟਰਾਈ ਕਰੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 9th ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ 9th ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, 9th ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6th 7th 8th ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਟੋਟਲ 18 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯੂ ਪਲੱਸ ਵੀ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਸ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦਾ ਡੈਰੀ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ, ਡੀ ਯੂ ਓਵਰ ਡੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਡੀ ਵੀ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡੀ ਵੀ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ, ਯੂ ਦਾ ਡੀ ਯੂ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵੀ ਦਾ ਡੀ ਵੀ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਯੂ ਬਾਏ ਡੀ ਐਕਸ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਟੇਕਿੰਗ ਲੋਗ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ,
सो साइन एक्स अगे आजूगी जिमें आप पहला क्वेश्चन किए डेरीवेटिव कर दिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स वन अपॉन यू डी यू बाय टी एक्स इतने प्रोडक्ट रूल लग जाए यू है वी है साइन एक्स एज इट इज लोग एक्स का वन बाय एक्स प्लस लोग एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स यू उपर उपर चला जाना यू की वैल्यू कितनी है मैं इतने सीधी फिल कर लगा यह साइन एक्स बाय एक्स आ गया सो इधर डी यू बाय डी एक्स एक नंबर एड करिए दूसरे पास डेरीवेटिव लॉग लै लीए इधर दोनों पास लॉग लै लीए सो कॉस एक्स ने अगे आ जाना नैक्सट आप डेरीवेटिव कर लीए वन ओवर वी डी वी बाय डी एक्स प्रोडक्ट रूल लग जाना कोस एक्स एज इट इज लॉग साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स का कोस एक्स प्लस फिर लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज कोस एक्स का डेरीवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स हूँ डी वी अपॉन डी एक्स इतने वी वी ने उधर उपर चले जाना वी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स प्लस ये तो आ गया इन कोस एक्स को मैं एज इट इज ही लिख लिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स आ गया प्लस माइनस माइनस हो गए साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स का आंसर आ गया बच्चे ये कोस नाल मल्टीप्लाई करके कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स भी इतने लिखा हो सकता है ठीक है सो ये कोस एक्स आ गया ये कोट एक्स है ठीक है जी सो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना सी इनू फिल कर लेना इतने एक नंबर से इन्होंने दोनों बस तुम एडिशन पा के लिखना होर कोई काम नहीं रह गया तुहाडा ठीक है इन्होंने जोड़ पा के लिख देना इहदे च एक नंबर दे विच सो पिछे ये क्वेश्चन नंबर नाइन हाँ ये हुण नाइन्थ टेंथ ते इलेवंथ क्वेश्चन नंबर मैं तुहानूं जिहड़े होमवर्क दे रहा सैवन एट सिक्स सैवन एट ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टेन ते इलेवन ठीक है ये ट्राई करने हैं ठीक है मैं ये नहीं कहता थोड़े को सॉल्व हो बस कोशिश जरूर करियो आंसर लियाउण दी इहदे लई तुसीं हैल्प भी लै सकते हो नैट की हैल्प यूट्यूब तो वेख सकते हो ठीक है होर लैक्चर जां कोई तुहाडा वड्डा भैन भरा जिन्हें प्लस टू च मैथ किया होया तुसीं उहदी हैल्प लै सकते हो कोशिश करोगे वो तुहाडी मैमरी है जिहड़ी उन्ने ही उहदे दरवाजे खुल्लणगे जिन्हें तुसीं उन्हों आप कोशिश करोगे ठीक है सो अज ले इन्ना ही सारे का जिहड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।